नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा संजू फिल्म और सुरमा फिल्म के अब तक के कलेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुरमा फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म ने अपने पहले दिन ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, फिल्म पंजाब में तो अच्छी खासी हाउसफुल गई, लेकिन दिल्ली और NCR में भी इस फिल्म को बढ़िया ही रिस्पॉन्स मिला। अगर एक तरह से देखा जाए तो दिलजीत के फैंस के अलावा हॉकी लवर्स भी इस फिल्म को अच्छा खासा प्यार दे रही है। और जहाँ तक बात करें इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन 3.5 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर लिया है। हालांकि इस फिल्म की बहुत पब्लिसिटी अच्छी आ रही है, इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि फिल्म अपने वीकेंड में बढ़िया प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि अभी इस फिल्म के पास शनिवार और रविवार दो बड़ी छुट्टियों के दिन बाकी है और हर कोई यही सोच रहा है कि ये फिल्म अपने संडे के दिन अच्छा खासा कलेक्शन करने में कामयाब हो जाएगी। और दोस्तों अब अगर बात करें संजू फिल्म के 15 दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों संजू फिल्म अभी तक अपना दबदबा बनाने में कामयाब रही है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज हुए 15 दिन हो चुके हैं और ये फिल्म 15वें दिन भी शानदार कलेक्शन करती जा रही है। जहाँ इस फिल्म ने अपने पहले दिन 34.75 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने कमाए 38.60 करोड़ रुपये और तीसरे दिन कमाए 46.71 करोड़ रुपये और चौथे दिन कमाए 25.35 करोड़ रुपये और पाँचवें दिन का कलेक्शन था 22.10 करोड़ रुपये और छठे दिन इस फिल्म ने कमाए थे 18.90 करोड़ रुपये और सातवें दिन कमाए 16.10 करोड़ रुपये। और अगर हम आठवें दिन की बात करें, तो इस फिल्म ने आठवें दिन 12.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और नौवें दिन कमाए थे 22.02 करोड़ रुपये। और अगर दसवें दिन की बात करें, तो इस फिल्म ने दसवें दिन कमाए थे 28 करोड़ रुपये और ग्यारहवें दिन की कमाई रही 11.25 करोड़ रुपये और बारहवें दिन कमाए 8 करोड़ रुपये और तेरहवें दिन कमाए 6.90 करोड़ और चौदहवें दिन कमाए थे 5.5 करोड़ और फिर 15वें दिन फ्राइडे होने के कारण इस फिल्म ने फिर से एक बार उछाल मारते हुए 7.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया और इसी के साथ इस फिल्म की अब तक की टोटल कमाई हो चुकी है 306 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, 306 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। आपको बता दें, अब तक इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी पद्मावत, जिसने 301 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन उस कलेक्शन को तोड़ते हुए संजू फिल्म उससे भी आगे निकल चुकी है और 2018 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। हालांकि ये रिकॉर्ड कब तक कायम रहेगा ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह सकते, क्योंकि आगे आने वाली बड़ी बड़ी फिल्में हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस साल बहुत नई फिल्में आ रही है जो संजू से ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है, जैसे कि आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, सुपरस्टार शाहरुख खान की 0 और साथ ही साथ अक्षय कुमार और रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी 2.0। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि संजू के रिकॉर्ड ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकते। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इन तीनों फिल्मों में से कौन संजू फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेगी, अक्षय कुमार के 2.0, शाहरुख खान की 0 या फिर आमिर खान के ठग्स ऑफ हिंदुस्तान? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।